आम आदमी पार्टी की दिल्ली के उपराज्यपाल से मुलाकात खत्म हो चुकी है। जी हां, आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, गोपाल राय और आशुतोष ने एलजी से मुलाकात की। अरविंद केजरीवाल ने एलजी को बीजेपी नेता के स्टिंग ऑपरेशन की सीडी भी सौंप दी है। और हम आपको बता दें कि आप दिल्ली में सरकार बनाने के लिए बीजेपी को न्योता देने के खिलाफ है, क्योंकि खबर है कि एलजी बीजेपी को निमंत्रण भेज सकते हैं। तो ऐसे में लगातार आप जो है इसका विरोध कर रही है। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कहा आपके नेता मनीष सिसोदिया ने। आज हमने उनको स्टिंग की कॉपी दी है, जिसमें दिनेश मोहनिया को 4 करोड़ रुपए दे के खरीदने की कोशिश की जा रही है और बीजेपी की सरकार बनवाने के लिए 4 करोड़ रुपए दे के खरीदने की कोशिश की जा रही है। ये बात हमने एलजी साहब को बताई, तो हमने उनसे आज रिक्वेस्ट किया कि आपने जो प्रेसिडेंट साहब को चिट्ठी लिखी है उसमें आपने बीजेपी की सरकार बनाने की एक तरह से इजाजत मांगी है उनसे, बीजेपी की सरकार बनाने देने के लिए। हमने एलजी साहब को कहा है कि ये रिक्वेस्ट अब बदल दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकार बनाने की कोशिश में है, और अगर हॉर्स ट्रेडिंग करके दिल्ली में सरकार बनेगी तो वो ईमानदारी को तो छोड़िए, दिल्ली की समस्याओं को भी दूर नहीं कर सकती। दिल्ली में महंगाई, भ्रष्टाचार की समस्याएं दूर नहीं कर सकती, स्कूल एजुकेशन की समस्याएं, हॉस्पिटल की समस्याएं दूर नहीं कर सकती। वो सिर्फ 4-4 करोड़ रुपए में बिकने वाले MLAs को लेके अगर सरकार बनेगी तो वो बहुत बेईमानी की सरकार होगी और दिल्ली वालों पे बहुत बड़ा बोझ होगी, दिल्ली वालों के साथ बहुत बड़ा धोखा होगी। इसलिए एलजी साहब को हमने रिक्वेस्ट किया है कि आप अब अपनी चिट्ठी का जो कंटेंट है वो दोबारा से लिखिए, प्रेसिडेंट साहब को लिखें, और इस बार उनसे असेंबली भंग करने की सिफारिश करें।